Thank you so much for tuning in to a brand new episode of 575 Ounces. Mera naam hai Arjun Pandit. Aur mere saath, as always, hain Jamie Alter as we will look back on day 4 of England versus West Indies. Lekin Jamie, mere bhai, before we of course start talking about what a good day it's been for the home side, finally, in that first test, pehle toh hum ye bol dein ki Nikhil Naz, humare dost, hum miss kar rahe hain aapko mere bhai. ये त्रिदेव ना हमारा जो इट डजंट फील लाइक अ त्रिदेव राइट नाउ ऑफ कोर्स बिकॉज़ हम दो ही लोग हैं यहाँ पे थोड़ा फीका लग रहा है भाई होप यू कम बैक सून फॉर दैट फाइनल डे व्हिच बिकॉज़ द पॉइंट बीइंग जेमी कि सर ये तो आखिरी दिन तो जा ही रहा है आखिरी दिन तो आप छोड़ो ये आखिरी मोमेंट तक जाएगा और शायद तब हमें पता चलेगा इस टेस्ट मैच में अगर कुछ रिजल्ट मिलने वाला है कि नहीं हाँ बिल्कुल अर्जुन यहाँ से लगता है कि इंग्लैंड फॉर श्योर डोंट लुक लाइक लूजिंग दिस टेस्ट क्योंकि बात वही है ये जो है सिचुएशन जब हमने कल बात की थी तो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट अब जो है अगर आप देखें एक टाइम पे जब 3 विकेट गिरे थे तो द लीड वाज जस्ट सम 30-40 यू थॉट शायद अगर कहीं ना कहीं यू नो लंच के एंड पे या टी से पहले कुछ विकेट मिले पर वो नहीं हुआ इसके कारण जो इन माय हम्बल ओपिनियन दो है एक तो वेस्ट इंडीज बॉलिंग कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी लैक कर रही है आज ऊपर से जो पिच है उसमें वेरिएबल बाउंस है वो थोड़ी वो स्लो हो गई थी वेरिएबल बाउंस जो थी डे टू पे खास करके दैट्स समथिंग विद जेसन होल्डर रियली एक्सपोज वेल पर अब जो है वो नहीं आ रहा इट्स नॉट लाइक दिस गाइस हैव बीन बॉलिंग यू नो एनी वर्स और एनीथिंग पर कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी है और आप ये देखें कि रॉस्टन चेज जब आपका पार्ट टाइम बॉलर आके विकेट ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक साइन है कि मेन बॉलर जो है वो कहीं थक चुके हैं या फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ऑल एंड ऑल राइट नाउ इंग्लैंड बैक ऑन टॉप और सेट अप अ वेरी वेरी इंट्रीगिंग फाइनल डे अर्जुन Yeah, but you know, Jamie, when you were talking about variable bounce or jo Jason Holder ne extract kiya day 2 par, I think day 2 aur abhi day 4 ki pitch ki agar aap baat kare to day 2 par there was a zip. Wo zip aa raha tha as soon as you're touching the surface and then of course Jason Holder was doing what he was and he was a lot disciplined as well and he was of course foxing the English batsman. Par sabse pehle England ke ballebazon ki baat karte hain. ESPN Cricket Info par kisi ne bada acha commentary pe likha tha. How often do we see the top 4 getting double digit score all four of the top four have got double digit scores and the guys like Rory Burns 42 of course Sibley got 50 Crawley has got a 50 so you know it's been a good day for England's batsmen and that too a pretty inexperienced lot bilkul aapne sahi shabd ka upyog kiya yahan pe inexperienced Rory Burns jo hai mere khayal se he probably is the most experienced or top order mein se kyunki Joe Root abhi hai nahi yahan pe baki aap dekhiye Sibley and Crawley what 4-5-6 test matches each जो डेनली कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो है वो स्कैनर जो है वो इनके ऊपर आएगा बिकॉज देखिए उन्होंने वही किया जो वो अपने छोटे से टेस्ट करियर है 29-30 के आसपास फिर एक लूज शॉट पे आउट हो गया हमने पहली इनिंग में देखा था कि वो कैसे बोल्ड हुए थे इतनी बड़ी गैप छोड़े आज रॉस्टन चेस जिस तरह से वो आउट हुआ चिप चिप टू जेसन होल्डर हु प्रॉबली टुक द इजीएस्ट कैच ऑफ हिज टेस्ट करियर उन्होंने बॉल ये पकड़ा तो वाइल दे ऑल गॉट डबल फिगर्स पॉइंट ये है कि सिर्फ दो लोग ने 50 मारी और एक ने उस 50 के एक रन भी नहीं जोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग आई थिंक फ्रॉम एन इंग्लैंड पर्सपेक्टिव डिस्पाइट देम बीइंग इन द टॉप इन द हैविंग द अपर हैंड यू वांट दीस 42s टू बिकम 80s एंड 100 यू नो जो डेनली कब तक वो इंग्लैंड टीम को यू नो वेयर दे गोना हाइड हिम ही परहैप्स विल बी द गाय टू गो आउट सो यस आई सी योर पॉइंट बट अगेन Zach Crawley is now, you know, taking it forward, but not enough guys getting starts and converting. This is the problem with the England team, jo hum tareeban 2 saal se dekh rahe hain. You know, I was going through some of the stats, and you look at the other batsmen, and a lot of these batsmen were playing cuts, and a lot of these batsmen were playing late cuts, and so on and so forth. I think Crawley ka agar aap wagon wheel dekhe, he's one of the only guys who's coming out on the front foot, and he's hitting the ball straight in that V that we talk about, right, down the ground. So he seemed very positive as a batsman. बिल्कुल देखिए जैक क्रॉली की बात करें देखो 22 साल के हैं मैंने जो इनके 4-5 टेस्ट मैच है नॉट सीन देम ऑल बट इनके साउथ अफ्रीका दौर पे मनी प्ले 3-4 टेस्ट मैचेस देयर 21 साल की उम्र में ही लुक्ड अ प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन अब कितने आप पूछेंगे मुझसे कि कितने प्लेयर के बारे में हमने ये कहा है और ही लुक्स अ प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन अक्सर हम कहते हैं खास करके इंग्लिश बैट्समैन के बारे में जो काउंटी क्रिकेट में रन बना के आते हैं ही लुक्स अ प्रॉपर बैट्समैन बट देन यू लुक एट द यू डिग बियॉन्ड द स्टैट्स इंग्लैंड ने एंड्रू स्ट्रॉस के रिटायरमेंट से मेरे ख्याल से 2012 कितने ओपनर्स कितने टॉप ऑर्डर बैट्समैन के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट की है बट लाइक यू सेड ही हैज लुक्ड गुड बिकॉज जो हमने देखा आज उनकी जजमेंट थी कौन सी बॉल को लीव करनी है कौन सी बॉल को खेलना है वो सारे ये जो टॉप फोर है इट्स बीन द बेस्ट
Even Rory Burns, though he got 42, he looked shaky again at the start, you know, lunging forward, a lot of leaves. Dom Sibley, again, he got that 50. कितनी बार उन्होंने बॉल को लीव किया और बॉल इतनी बची स्टंप से. तो कहीं ना कहीं दिस सेज के यस, while you can have the upper hand on a very warm day, on a very slow track now, the people who have the appetite to take that 50 into a 60, 890, I think guys like Zach Crawley are the ones who really have that skill, which really augurs well for the England team, जो काफी time से transition में. सर मुझे आपके बारे में नहीं पता, यू माइट बी गिविंग अ मेजर्ड आंसर एज फार एज जैक क्रॉली इज कंसर्न्ड, बट अंग्रेजी मीडिया को अगर जितना मैं जानता हूं तो अभी तक जैक क्रॉली साहब तो उनके नेक्स्ट स्टार बन गए, द नेक्स्ट सेवियर ऑफ इंग्लिश क्रिकेट. बट वी वोंट गेट इनटू दैट बिकॉज यू सेड अ वेरी नाइस थिंग एट द स्टार्ट एंड दिस इज समथिंग आई हैव हर्ड सो ऑफन ऑफ दिस वेस्ट इंडीज साइड एज फार एज द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम इज कंसर्न्ड, दैट दे डू हैव गुड फेजेस बट देन देयर आर फेजेस व्हेन यू रियली नीड टू स्टेप ऑन द मेटल or the pedal, if I may say, and they're not able to do that. That is something we saw with their bowling, where it wasn't, how do I put it, wo zip nahi tha unki gendbazi mein to get wickets aaj pe. And would you agree, where the pitch and the conditions were not in favor, you suppose they lack that guile, that innovation, ki kuch alag karein, kyunki pitch hume yahan pe abhi wo madad de nahi raha, jo dusre din pe de raha tha. Hane, aapki baat sahi hai, variable pitch mein kya hai, but if you can say one positive thing about them, at least they've not allowed runs to come at a fast clip. You know, there have been spurts, jab pe strokes nahi, boundary mare, but overall things have still been well contained. But exactly wahi problem hai, inko wo safalta nahi mile jo wo chahte the. Iske karan shayad do hai, ek to saliva, right? Ab jab saliva nahi hai, jab allowed nahi, then you have to go to the next thing, sweat. Abhi bowler ko chhod ke kaun really sweat kar raha hai? Wo itni, haan, the sun's out, but it's not really a hot day. You still see guys wearing jumper sweaters. Alzarri Joseph at one time called the 12th man, you know, for the gloves, the warmers. So, kind of, the lack of movement has been a factor. But, you know, Arjun, frankly, if I'm day one, day two, even day one briefly, unme wo control nahi hai jo tha. Jason Holder, jaise ki humne kaha tha, unki speed kabhi mere khayal se 81, 82 se zyada kabhi gayi nahi. But kyunki day two wo itne accurate the. उन्होंने बेन स्टोक्स को इतनी डॉट बॉल्स खिलाई और जितनी डॉट बॉल्स आप डालते हो वहीं से आपको विकेट मिलता है. वी सॉ दिस इन द केस आल्सो विद जोसेफ. जोसेफ वाज अनलकी जब उन्होंने बाउंस डाला स्टोक्स को और टॉप एज वाज ड्रॉप. इट्स नॉट अबाउट द विकेट, इट्स अबाउट द बॉल्स, द 8 9 10 बॉल्स बिफोर द विकेट. और यहां पे ऑन अ वेरी लेट्स से स्लोएस्ट ट्रैक उनको इतनी वो प्रेशर वाली गेंद, this haven't been able to put the pressure on the England batsmen. But all said and done, they've not let the game run away yet, I think. Yeah. Would you agree that both sides have somewhat read the conditions wrong? England ka humne padh liya ki aapne Stuart Broad ko nahi khilaya janab, aapne condition kahin na kahin galat pakda hai. Lekin West Indies ke agar aap nazariye se pakde, to sir ghar pe ek itne bade insaan hai jinka naam hai Rakeem Cornwall. I saw that man bowl in the West Indies, and as big as he may be, he gets a lot of bounce, he gets a lot of turn, and he is a very, very handy slip fielder. I'm just wondering if someone like Roston Chase can do what he's doing right now versus England on day 4, having someone like a Cornwall would have been an added advantage. बिल्कुल अर्जुन, आपका सवाल बिल्कुल सही है. मेरे ख्याल से हम थोड़ा इस सवाल पूछने और जवाब दे रहे हैं with the added benefit of hindsight. अगर आप देखें तो स्पिन ऑफ स्पिनिंग बोलिंग ऑलराउंडर दो में इंग्लैंड में शायद बहुत ही कम हुआ है. That's why Chase, of course, goes ahead because of his batting. बिल्कुल, बिल्कुल. और चीज का क्या है? Chase is a far more accomplished batsman. उन्होंने run मारे England के against. ये भी fact है. मैंने एक must tweet देखा था Jared Kimber का कि Roston Chase has taken 1/3 of his Test wickets in one innings against West Indies. ये वही Test match है. दूसरा Test match 2019 के शुरुआत में जब West Indies ने 2-1 से England को श्रृंखला में हराई थी. He took 8 wickets in innings, which something would people would be surprised to see a guy like Roston Chase. बट जहां तक आपका सवाल है, हाँ जायज बिल्कुल है, बट कहीं ना कहीं यू नो दो ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर्स इन अ कंट्री वेयर बाउंस एंड स्विंग हैज बीन द नॉर्म, सो आई गेट व्हाई दे डिडन्ट डू इट. बट ये बात सही कि ही वुड हैव एडेड अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा बैटिंग डेप्थ, यू नो. बट अगेन, यू नो, व्हेन यू हैव, वी स्पोक अबाउट द वेस्ट इंडीज गाइस बीइंग इन दैट जोन, इन दैट बबल, व्हेन दे आर सो चैनल्ड टू विनिंग दिस मैच, आई कैन सी व्हाई दे वेंट विद 4 फास्ट बॉलर्स. बट प्रोबब्ली, यू नो, 24 आवर्स from now when this match over, hum dono teams ke thode hum negative light mein dekhenge. Baat hui England ki, dekhiye Stuart Broad ke bare mein hum already bahut charcha kar chuke hain. England for sure misread this track by bowling two quick hit the deck bowlers. Jaise ki humne kaha tha kal ke show mein, unko wo thoda slow, thoda fuller, crafty Stuart Broad ki zarurat thi. Jaise ki aapne kaha tha kal ke show mein, the way Jason Holder bowled,
I still wouldn't be too harsh on West Indies, but definitely England have committed a blunder by leaving out Stuart Broad. Guys, of course, Jamie, let's just talk about day five, because day five, so many different, how do I say, scenarios at play beyond just result, draw, loss. Yeah. But I'm just saying, how long do you suppose England is going to bat? Now, of course, some of the suggestions coming about are that England ko at least lunch tak batting karni chahiye. और फिर वेस्ट इंडीज को दो 70 ओवर गेंदबाजी खेलने के लिए और उस 70 ओवरों में ऑल आउट करने का, लेकिन लेकिन फिर से फिर आप चांस भी दे रहे हो, आप ये भी कहो चांस भी दे रहे हो आप ड्रॉ करने का. देखिए कन्वेंशनल लॉजिक तो यही कहेगा कि उनको मॉर्निंग सेशन इंग्लैंड शुड बैट. अब डिपेंड करता है कि बेन स्टोक्स नेचुरली इतने अग्रेसिव प्लेयर हैं, उन्होंने दोनों पारी में अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके खेला. वी हैव नॉट सीन दैट रियली ब्लेजिंग Ben Stokes, which is totally fine because, you know, he's being the captain for the first time. It's a very surreal kind of test match with all that's going around. So he has to take the safety approach. Or yaad rakhiye, dono baar jab Ben Stokes batting pe aaye mid-order mein, to team ki sthiti kafi kharab thi. But again, you know, I think 60-70 overs is enough because hum dekh chuke hain, khas karke pichle 25 saal mein West Indies team ke saath bahut bahut kam baar wo fourth innings mein achhi batting kar paaye. This is not a blanket statement I'm making. We've seen this all too often. Jo bhi teams ho, you know, so there is going to be pressure on the team batting. But Ittihad ye bhi gawah hai ki England mein jo fourth innings teams batting karti hai, bahut hi rarely wo kuch achhi target 150 se upar wo hasil kar chuki hai. So England bilkul all in command, a very very handy lead. And I agree with you. I think jo log keh rahe hain commentary pe, mota mota wahi hoga. You give them 65-70 overs and you will bat on a day five pitch jahan pe variable bounce aur bhi hoga. You never know, suddenly the same Jofra Archer and Mark Wood, who we've been very critical of, they could find some magic on this pitch and really bowl in the victory. You know, all three scenarios are possible, Arjun. Yeah, I mean, before this test match, अगर आपसे कोई बात करता और कहते हैं कि वेस्ट इंडीज का वीक लिंक क्या है, तो वेस्ट इंडीज का वीक लिंक उनके बल्लेबाजी है. इट्स प्रीटी ऑब्वियस. और जब बल्लेबाजी को आप टेस्ट करो ऑन डे फाइव, where you're chasing a score and that too against a home side in away conditions, it's going to get really tough. And then add to that, Jamie, aapke paas Jamie Anderson hai, sir. Jamie Anderson ne yahan pe abhi itna aasan nahi karna unke liye mauka. Unne to of course kaafi killiyan abhi aur udani hai. And he's only there at the ripe at the young age of 38. So I'll ask you this prediction yesterday as well, where I kind of coaxed you and Nikhil into saying that West Indies looks like the favorite. And I was thinking you guys are going to get it wrong. And I think you're getting it wrong. So I'll ask you again, who do you think now? Because it looks like England is the likely winner, but the other possible result is a draw. I don't think a West Indies win is on the cards now. बिल्कुल यहाँ से लगता नहीं है कि England ये match हार सकती, क्योंकि एक एक ही दिन बाकी है, day five. कल जब आपने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैंने काफी confidently कहा था कि नहीं, West Indies will take it away, because I was really expecting and banking on that spell from Kemar Roach, जो frankly England की पहली पारी में नहीं आई थी. उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाज की थी, but completely, you know, wicketless, lot of balls missed the edges, dropped short, anything which could possibly go wrong with the Roach did in terms of getting wickets. Or fir Shannon Gabriel ne 4 wicket liye aur unke captain Holden ne 10 wicket liye, to us logic se maine kaha tha yaar Kemar Roach is too good a fast bowler, coming in on 200 test wickets, he's going to have his spell. Wo spell ab tak to aaya nahi hai. It would take some kind of colossal collapse on the fifth morning for England to blow this fantastic platform that they've given themselves. Jamie Walter, as always, thank you so much for your time. Aap sab logon ko ek bari fir se bata de ki aksar throughout during this test match, hum log, we've been coming live on NewsClick's Facebook page at 10 PM, hoping that you guys will send questions, but none of you have sent any questions so far. But tomorrow hum log kya karne wale hain ki hum match ke result ke baad aane wale hain. To agar match dopahar ko khatam hua, to dopahar ko, as soon as the result is out, we will be on air on NewsClick's Facebook page, irrespective of whatever time. But whenever the result is out, in a minute of that, our show will be on and we'll be talking not just of day five, but we'll also be talking back about this first test and what the experience was like. 117 din baad live cricket hamare samne aaya hai. And it was quite an experience. For now, thank you so much for watching. Jamie, take care. And we'll see you guys tomorrow. Goodbye.